वहां से गिरफ्तार किया, चूंकि उसके पहले नोटिस किया था गांव आमगाछी पोखरिया में, कि पहले तो नोटिस किया गांव को भूर्जन पदाधिकारी ने कि इस गांव में आपका सरकारी जमीन इतना एकड़ है और इतना एकड़ जमीन है, इस जमीन को आरपीजी ग्रुप कंपनी को अधिग्रहण किया जाएगा, उसका आपको सहमति देना है, ये चिट्ठी में लिखा है। और उसमें लिखा था फलना फलना प्लॉट, फलना फलना प्लॉट, जो ये सरकारी जमीन है। तब गांव के लोग बैठक किया, हम लोग को भी बुलाया और देखे वो चिट्ठी और उसके अनुसार ग्राम सभा किए, तो उसमें से देखा गया कि जंगल प्लॉट था, गोचर था और खास जमीन था, तो इसको लेने के लिए पहले चिट्ठी दिया। तो उसमें ग्राम सभा हम लोग किए कि यार लेटर बनवाए एगो वकील सब से भी, मतलब सलाह करके कि संथाल परगना टेनेंसी एक्ट में, यहाँ एक संथाल परगना जो काश्तकारी अधिनियम है उसमें से क्या क्या नियम है, उसमें में है कि संथाल परगना में जो 6 जिला अंतर्गत आता है तो इसमें खरीद बिक्री नहीं होता है, यहाँ का जमीन किसी का भी, या गैर आदिवासी का या आदिवासी का, जमीन खरीद बिक्री नहीं होगा यहाँ। सिधो कन्हू, चंद भैरव, फूलो जानो ने आंदोलन किया था अंग्रेजों के साथ, और उसी आंदोलन के बाद जो है कि यहाँ कानून बनाना पड़ा, तो यहाँ का आदिवासी अनपढ़ थे, सीधा सादा थे, कि उन लोग बोला कि इन लोग का ये कानून अगर नहीं बनाने से कि ये जमीन इन लोग का उन्हें पने दाम से मतलब खरीद लेगा, तो इसलिए उसको उसको कानून को बनाना पड़ा और वही कानून अभी भी है यहाँ, तो खरीद बिक्री नहीं होगा। तो हम लोग उसी कानून का अनुरूप हम लोग चिट्ठी बुलाया, जो हम लोग इसे भी हम लोग लिए, कानून किताब से भी लिए, कुछ कुछ पॉइंट निकाले, और अभी पैसा कानून का भी कुछ कुछ पॉइंट लिए और उसमें से लिखे, मांझी परगना सिस्टम है यहाँ कि यहाँ अंचल का पावर नहीं है, पहला प्रधान का पावर है, यहाँ मांझी का पावर है ग्राम में, तो इसके बाद अंचल का, तो उसमें से यहाँ रायत ही मतलब डिसीजन करेगा, वो जमीन किसको देगा, जंगल प्लॉट किसको देगा, खास किसको देगा, गोचर में तो गाय गरु चरेगा। हम लोग उसी अनुरूप बनाए कि लेटर, ये जमीन सरकारी नहीं है, ये रायतों का जमीन है, और खास जमीन जो है ये जिसका जमीन नहीं है उनको हम लोग देते हैं, और जो जंगल प्लॉट है ये जंगल से हम लोग का रोजी रोटी चल रहा है, जंगल हम लोग उपयोग करते हैं, गाय चराते हैं, पत्ता लाते हैं, लकड़ी लाते हैं, जड़ बूटी लाते हैं, वगैरह वगैरह जंगल से उपयोग होता है, इसीलिए ये भी ग्रामीणों का जंगल है, ना कि आप सरकार का जमीन है। और गोचर तो ये तो गाय चराने के लिए जमीन है, ना कि आपका सरकार का जमीन है। तो हम लोग ये डीसी को लिखे और बोले कि अगर ये जमीन आप बेचिएगा कंपनी के पास, एक प्राइवेट कंपनी के पास, तो आपको भी कठघरा में हम लोग खड़ा करेंगे, क्योंकि यहाँ संथाल परगना में जमीन खरीद बिक्री नहीं होगा, तो आप कैसे इस जमीन को बिक्री करेंगे। तो उसमें से चरण जी और हम पर ज्यादा गुस्सा आया, कंपनी के लोग, नेता के लोग और प्रशासन, बोले यही लोग सिखाता है गांव वाला लोग को, कानूनी कौन सिखाएगा, यही लोग सिखाता है। तो हम लोग को फिर जब पूरा जोरदार से आंदोलन होने लगा, पहले तो दुष्प्रचार किया हम लोग के खिलाफ में, दुष्प्रचार किया कि ये लोग जो है कि पैसा ले लिया कंपनी से, तो वही ग्राम सभा मजबूत किए, लोग को कानूनी रूप से मजबूत किए और प्रशासन को गांव में घुसने ही नहीं दिए, पुलिस प्रशासन को भी घुसने नहीं दिए, और जितना भी जन सुनवाई के लिए जो लेटर आया उसके बाद, वो चिट्ठी हम लोग भेजे पहले वाला, हाँ मतलब सरकारी जमीन का, इसके बाद फिर रैयतों जमीन को लेने के लिए चिट्ठी भेजा प्रत्येक रैयत से कि हम लोग जमीन नहीं देंगे। तो और जब जन सुनवाई बुलाया मतलब इसमें डीसी कार्यालय में, तो एक गांव का जन सुनवाई हुआ, पहले उसमें हम नहीं थे, पटना गए हुए थे उस दिन, तो उसमें से हमको गुप्तचर से पता चला, उसमें प्रेस वाला को भी घुसने नहीं दिया था, और बोला कि मतलब उसमें से कई लोग ना बोला है लेकिन वो रजिस्टर में प्रस्ताव में हाँ बोला है, ज्यादातर का हाँ बोला और कम लोग का ना,
तो फिर आमगाछी का जो दूसरा गांव का जो फिर जनसुनवाई बुला बुलाया डीसी के पास, फिर तब तक हम पटना से आए तो हम लोग बोले कि नहीं, एक उसमें जनसुनवाई में क्या करता था, डीसी का चैम्बर में एक एक करके बुलाता था, एक जमा मंदी में जितना है 10-20 तो उन लोग को बुलाया, उन लोग हाँ कि ना ऐसे। इसके बाद फिर दूसरा जमा मंदी को बुला रहा था ऐसे। तो फिर हम लोग दूसरा बार, दूसरा आमगछी गांव का हम लोग दूसरा बार जन सुनवाई बुलाया, तो उसमें हम लोग बोले कि हम लोग एक एक करके नहीं घुसेंगे डीसी का चैम्बर में, हम लोग जन सुनवाई होगा तो यहाँ पर बरांडा में बैठेंगे और सामूहिक में जन सुनवाई आप पूछिए कि हम लोग जमीन देंगे नहीं देंगे। तो उसमें से बोला कि नहीं, आप लोग तो जमीन देने के लिए ना आए हैं, तो लेकिन नहीं, हम लोग जमीन विरोध के लिए आए हैं। तो फिर पता चला कि मतलब जन सुनवाई में बैठते हैं तो मतलब जमीन देने के लिए, वो लोग यही समझा। तो नहीं, हम लोग जन सुनवाई का मतलब क्या है, वो तो एक दो आदमी के बीच में तो नहीं होगा, हम लोग सामूहिक में आप लोग बताइए ये जमीन को क्या करना चाहते हैं, किसको देना चाहते हैं, और आप हम लोग से क्या बात करना चाहते हैं, आप लोग ओपन में बात कीजिए। हाँ, डीसी निकलेगा, ओपन में बात करेगा, और डीसी निकल करके हम लोग से बात करें, हम लोग जवाब देंगे। तो डीसी तैयार नहीं हुआ, डीसी तैयार नहीं हुआ तो हम लोग भी तैयार नहीं हुआ। तो हम लोग एक को लेटर दिए कि हम लोग बहिष्कार करते, जन सुनवाई भी बहिष्कार करते हैं, जमीन भी नहीं देंगे। तब इसके बाद से जन सुनवाई नहीं हुआ है, ना बुलाया है, नहीं हुआ, हम लोग नहीं देंगे और गाँव में भी घुसने नहीं देंगे। तो इस तरह से इसके बाद क्या हुआ, बाद में हम लोग को पैसा से लालची करने लगा, पैसा देंगे, ये देंगे, वो देंगे, गाड़ी देंगे, मकान देंगे, कई तरह से हम लोग को इस तरह से। तो हम लोग कोई भी गांव के लोग भी कोई दलाली नहीं किया है और हम लोग भी नहीं, तो भगवान का कृपा से। तब फिर बाद में हम लोग को क्या क्या फोड़ने से भी नहीं फोड़ा सका और पैसा से भी हम लोग को लालची नहीं कर सका। और बाद में क्या क्या हम लोग को मतलब गिरफ्तार करने लगा, 2008 अगस्त में, अगस्त में ग्राम प्रधान, मतलब ग्राम प्रधान की पति, फूलो मरांडी की पति, आमगछी गांव का हुपनाबाद की, उसको उसको बुलाया रोड पे, गांव में जा करके पुलिस गया, राव गांव में और रोड है, रोड पर बुलाया कि चलिए बड़े साहब आया है आपको बुलाने। तो मतलब एक छोटा बाबू बुलाया, तो फिर आया, बोला कि प्रधान है तो कोई भी प्रशासन जाएगा तो जाना होगा। तो गया तो गाड़ी में बैठाया चुपचाप और थाना लेके आया, थाना से फिर एसपी के यहाँ लेके आया, और एसपी बोला कि आप इसमें साइन कीजिए, मतलब कंपनी का कागज में, वहाँ का जमीन कंपनी लेगा। तो प्रधान बोला कि नहीं, हम नहीं साइन करेंगे। और गुडित था एगो डकवा गांव का, साथ में था, तो वो लोग गया तो नहीं साइन किया, नहीं साइन किया तो प्रधान को दूसरे दिन ही कर दिया, जेल में भर दिया, और गुडित आ गया, उसको छोड़ दिया। तो फिर हम लोग को आकर के बताया ऐसे ऐसे, मंजी हराम को यहाँ बुला करके लेके गया और बोला कि कागज में साइन कीजिए तो भी छोड़ेंगे, तो साइन नहीं किया तो उसको जेल भर दिया। तो फिर हम लोग मीटिंग करने लगे, बड़ा बड़ा मीटिंग करने लगे, और उसके खिलाफ में कैसे हम लोग को करना है। तो फिर हम लोग जेल भरो अभियान का हम लोग प्लानिंग बनाए कि जेल भरो अभियान चलाएंगे, एक गांव से पहला 5-5 करके, 2 करके, ऐसे 100 गांव का हम लोग 5-10 करके एक बार में हम लोग एक दिन में जेल भरो अभियान में जाएंगे। फिर दूसरा बार एक घर से एक आदमी, दूसरा घर से एक, ऐसे करके। हाँ, तो जिस घर में कम आदमी है वो गांव को देखेगा, घर को देखेगा। तो इस तरह से हम लोग को अभियान चलाए और मीटिंग किए। तो उसका सीआईडी गांव का था दलाली, तो बोले इस तरह ये लोग योजना बना रहे हैं, तो और हम लोग को अगर नहीं ये करेगा, मतलब हम लोग बैठक मीटिंग करते थे, अपना को नहीं छोड़ेगा, हम लोग जेल भरो अभियान करेंगे हम लोग भी। वो निर्दोष है और निर्दोष को ये किया है कंपनी को जमीन देने के लिए, गिरफ्तार किया, हम लोग भी गिरफ्तारी देंगे। तो उसी में फिर ज्यादा आंदोलन करने लगा और उसमें हम लोग गांव-गांव में मीटिंग करने लगे रात दिन। तो चरण और हम उसी दिन मीटिंग किए, मीटिंग में शामिल हुए, तो सीआईडी गांव का लोग ही था, कुछ तो दलाल है, तो उन लोग को पुलिस को बुला लिया, बोला कि ये लोग इधर गया मीटिंग खत्म के बाद, तो 3 रास्ता है उधर,
तीन रास्ता में, दो रास्ता में पुलिस पहले से बैठा हुआ था गाड़ी में हम लोग को अरेस्ट के लिए। ये लोग दुमका जाएगा तो दुमका वाला रास्ता में, और काठीकुन लौटेगा तो काठीकुन वाला रास्ता में। तो हम लोग दुमका जा रहे थे, फिर दुमका जाने वाला रास्ता में था, हम लोग को पता चला, उधर गांव के लोग बोला इधर पुलिस है। तो फिर हम लोग घूमे, इसके बाद फिर इधर लौटे तो उधर में भी पुलिस तब तक आ गया था। तो रास्ते में चरण जी को उठा लिया था, और हम दोनों साथ में थे, चरण जी को उठा लिया। हम भी बोले कि हमारा मेरा भी वारंट है, हम भी जाएंगे। तो हमको डर था कि चरण को इनकाउंटर कर सकता है, हाँ, तो यही डर था, इसीलिए हम भी चढ़ गए थे पुलिस का गाड़ी में, चढ़ गए और जबरदस्ती। तब फिर आमगच्छी गांव में आकर के फिर रोका, और हमको दरोगा उतरा, और पीछे साइड में हम बैठे थे पुलिस का गाड़ी में, तो हमको घींच के उतारा। तो घींच के उतारा तो हम भी मतलब कूलर पकड़े दरोगा का, और कूलर पकड़ करके हम घिंचातनी करने लगे। तो बोला कि चरण को छोड़ दो, तो बोला कि नहीं। इसके बाद फिर हमको ई दिया, धकेल दिया और गाड़ी में बैठ गया और भाग गया। तो फिर गांव के लोग तो पूरा मीटिंग से, हम लोग वैसे ही उठे थे, लोग घर ही गए थे। तब फिर बोला कि चरण दा को उठाया। तो फिर गांव के लोग जानते हैं, एकदम मतलब 12-13 साल के बच्ची, मतलब हंसुआ तलवार ले करके एकदम नाते को आया, बोला चलो थाना जाएंगे हम लोग चरण दा को छुड़ा के। तो फिर गए तो थाना में, तो थाना से तो उसको लेके गया दुमका। फिर वहां पर हम लोग धरना दिए रात भर, और पुलिस भी पूरा फोर्स आया, पुलिस मतलब लाइन से, हाँ पुलिस लाइन से लेके आया 5-6 गाड़ी पुलिस। तो हम लोग बोले रोड के उस पर आप लोग रहिए, और हम लोग रूट पर इस पर, और आप लोग रोड से इधर पार हुए, हम लोग तीर चला देंगे, और रोड से हम लोग आगे आए मतलब पार हुए तो आप लोग गोली चलाइए, हम लोग आपके साथ लड़ाई नहीं है, हम कंपनी के साथ लड़ाए हैं। तो फिर उस तरह से हम लोग ये किए। तो सुबह फिर गांव के लोग डिसीजन किया, दीदी आप पीछे ही रहिए, आपका भी आपको भी अरेस्ट करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग संभाल लेंगे। तो फिर सुबह के निर्णय हुआ कि नहीं, हम लोग को चलो धरना करना है कार्यालय, एकदम ई में एसपी कार्यालय में धरना देना है। तो सुबह एकदम जोश में लोग जो मन सो गाड़ी में चढ़ करके गया और धरना में बैठने लगा, और हम लोग 4 दिन बैठे। 21 अगस्त को उठाया था रात को, तो हम लोग 22, 23, 24, 25 हम लोग 4 दिन हम लोग धरना दिए। आ भूखे प्यासे हम लोग तो जोश में गया, लोग कहाँ पाएगा खाना पैसा, तो जो एकदम लोग बैठा हुआ है उठ नहीं रहा है, पानी पीने के लिए भी नहीं, खाने के लिए भी। तो प्रेस वाला भी आश्चर्य हुआ, कोर्ट का जो ये आपका वकील सब सब लोग आश्चर्य हुआ, ये लोग काल से बैठा है, ये लोग ना खाना ना पीना। तो कॉलेज का लड़का सब, कॉलेज का लड़का दुमका का जितना भी कॉलेज है, महिला कॉलेज, पुरुष का लड़का का कॉलेज, सब लोग अपना चावल लाया, लकड़ी लाया, डेग लाया, और बोला कि आप लोग खाना बनाइए, हम लोग भी बैठेंगे। तो वो लोग भी हम लोग के साथ बैठा धरना पे। तो फिर हम लोग 4 दिन में, हम लोग 4 रात 4 दिन वही कोर्ट परिसर में ही हम लोग खाना बनाने लगा, और वहीं पर धरना दिए कि चरण आर होपना को जब तक रिहा नहीं करेगा जेल से, तब तक हम लोग जाएंगे नहीं। और तो फिर प्रेस वाला पूछते रहा, सीआईडी ऑफिसर भी मेरे पीछे घूमा, बोला कि मुन्नी जी आगे क्या प्लानिंग है, आगे ये दोनों को नहीं छोड़ेगा तो हम लोग पूरा दुमका को पैक करेंगे। तो दूसरे दिन से तो और लोग आने लगा, अपने से लोग आने लगा। तो 107 107 मतलब 144 लागू किया, 107 144 लागू किया था 7 किलोमीटर रेंज में। तो फिर हम लोग भी उसी समय से गांव में हम लोग भी 144 लागू किए कि आप लागू कीजिएगा शहर में, तो हम लोग को भी लागू करना है। और यहाँ ना नेता को घुसने देना, सरकारी कोई भी प्रशासन पदाधिकारी को घुसने देना है, या पुलिस प्रशासन को। तो गांव में भी टांग दिया है बोर्ड कि गांव में 144 लागू, हाँ बिना पूछे गांव में घुसने से जुर्माना, हाँ कानूनी करवाए। तो इस तरह से गांव गांव में पूरा टांग दिया था, और बैरियर लगा दिया था गांव गांव में। तो इस तरह से किए। तो हम लोग को जो वही 26 नवंबर को गिरफ्तार किया दोबारा, तो दोबारा बोला कि इन लोग को उस बार बोला कि मतलब हमको चरण को गिरफ्तार किया, तो बोला कि मुन्नी तो कुछ नहीं कर पाएगी। तब फिर हम लोग जो नेतृत्व किए, हम
तो फिर इतना लोग आने लगा, इतना लोग आने लगा, तो फिर बोला कि नहीं, मुन्नी को भी गिरफ्तार करना है, दोनों को गिरफ्तार करना है, तभी यहाँ कंपनी उतर सकेगा। तो हम लोग उसके पहले, हम लोग को पता था कि हम लोग को गिरफ्तार करेगा एक ना एक दिन फिर। तो फिर हम लोग गांव में लोगों को और हम लोग को सशक्त रूप से ट्रेनिंग दिए, हम लोग को गिरफ्तार करेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग को क्या करना है, ये हम लोग तैयारी किए बाद में। हाँ, खूब तैयारी किए गांव में, एकदम दिन रात तैयारी किए कि ना कि आप लोग डरे नहीं, तो कानूनी रूप से। तो फिर हम लोग को फिर अचानक गिरफ्तारी हुआ, वही हल्दी पहाड़ी गांव का पत्थर गड़ी का उद्घाटन करने जा रहे थे, उसी में मतलब हम लोग को बोला कि ये लोग तो वहां जाएगा, हम लोग जाने नहीं देंगे, पत्थर गड़ी को उद्घाटन नहीं करने देंगे, उसके पहले गिरफ्तार करेंगे। तो गिरफ्तार किया, तो गिरफ्तार करने के बाद लगातार गांव में बैठक मीटिंग करने लगा, जुलूस। तो फिर 26 नवंबर हम लोग को जेल घुसाया और गांव के लोग पूरा जुलूस प्रदर्शन बैठक वगैरह करते थे। तो फिर रैली किया 6 दिसंबर, हाँ 2008 रैली किया, उसमें 30-35 हजार लोग थे। तो उसी रैली में मतलब गोली चलाया था पुलिस ने और उसमें 2 लोग शहीद हो गए और एक एक आदमी का आंख में अभी भी गोली है, आंख में गोली मतलब चल करके सिर पर अटका हुआ है, तो अभी दोनों आंख उसका चला गया है। तो ये हुआ, तो और एगो साइगर जो है, साइगर मरांडी, उसको छाती में गोली लगा था पिस्तौल से, एकदम नजदीक से इंस्पेक्टर ने गोली उसको चलाया था, पिस्तौल चलाया था तो छाती में लग गया, तो एकदम ई छाती में, तो वो गिर गया। तो उसको इलाज के लिए उठा के ले जा रहा था मतलब हमारे लोग ही गाड़ी से, तो उन लोग को भी अरेस्ट किया गया था, गाड़ी सहित अरेस्ट किया गया। तो उसमें से 5-6 लोग को फिर अरेस्ट किया गया और उसको घायल आदमी को भी अरेस्ट किया गया। इसके बाद उसको तो फिर ले गया वहाँ, आपका ज्यादा सीरियस होने लगा तो रांची रिम्स ले गया, वहाँ इलाज कराया। इलाज के दौरान में उसको से लोहा का सिकड़ी से बेड बेड में मतलब बांध दिया था। और एगो लखीराम टुडू वो घटना स्थल में ही गोली लग गया, तो घटना स्थल में ही स्पॉट डेथ हो गया था रैली के दरमियान। तो वो यहाँ क्या क्या बोला कि नक्सली लोग रैली में था, मतलब प्रशासन अपना बचने के लिए ई किया, मतलब इस तरह से प्रचार प्रसार किया, प्रेस में देने लगा कि नक्सली भी इस रैली में, नक्सली जमीन आंदोलन का रैली में नक्सली भी था। हाँ, तो और उलगुलान मंच जो है कि नक्सली संगठन के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, इस तरह से हम लोग को भी बोलता था ये लोग भी नक्सली से जुड़ा, इसीलिए इतना मजबूती के रूप से लड़ाई लड़ रहा है, डर नहीं रहा है और उन लोग के तरह कानूनी बात बात बोलता है। तो इसे और गांव के लोग भी बोलता है कि ये लोग भी मतलब मुन्नी चरण के ऐसा बोलता है, ये लोग भी जुड़ा हुआ है, इस तरह से हम लोग का आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया है। मतलब तब फिर हम 6-7 महीना रह गए थे, 7 महीना 4 दिन से थे जेल में, आचरण था 6 महीना। मतलब इसके बाद बाकी लोग फिर बाद में निकला, हम लोग निकलवाए, हम लोग का कुल मिला करके 13 लोग जेल मतलब घुसे थे, एक वही रैली के दरमियान में जो गोली चलाया था पुलिस ने, और वो लोग इलाज के लिए गाड़ी से लेके आ रहा था, उन लोग को उठाया और कुछ लोग को और उठाया था, तो 13 लोग हम लोग जेल में थे, जेल के था बाद में और टोटल में। तो हम लोग मतलब बारी बारी से निकले, इसके बाद जेल से निकले 2009 में, 30 जून को निकले। हाँ, 2009 30 जून को निकले और 2008 26 नवंबर को घुसे। तो यहाँ जो मंत्री सब बोल रहा था कि ठीक है अभी तो पंचायत चुनाव हो रहा है, ये मुन्नी हरदा रोक दी है ना, अभी पंचायत चुनाव में हम लोग लड़ेंगे, जीत के जाएंगे जिला परिषद में और वहाँ जिला परिषद बोर्ड में प्रस्ताव करेंगे पावर प्लांट कोल माइंस का, हाँ डैम का, और वहीं से प्रस्ताव करेंगे, गांव से तो विरोध करते हैं और वहां से हम लोग यहाँ खोलेंगे कंपनी को, मतलब
यहाँ उतारेंगे। तो गांव के लोग बोला, गांव में लोग चर्चा करता है, तो गांव के लोग बोला कि दीदी आपको खड़ा होना है जिला परिषद में। तो हम बोले कि देखिए राजनीति से तो हम लोग बहुत दूर है, आप पैसा वैसा चुनाव में तो खर्चा होता है तो कैसे होगा। तो बोले नहीं आप बिना खर्चा में होगा, हम लोग ना वोट देंगे तो आपको लड़ना है। तो फिर लड़ाया हमको, जिला परिषद जीते और 2010 में। इसके बाद उसके दरमियान भी वो लोग बोरिंग वाला कुछ मतलब दलाल लोग ई क्या दलाल लोग बोरिंग वाला को बुलाया बुलाया छुटपुट मतलब बोरिंग करने लगा। तो फिर हम लोग उसको ई किए विरोध किए। अब विरोध करने के बाद क्या हुआ, टेंड पुलिस टेंड लगा करके मतलब पुलिस का फोर्स का सहयोग लेकर के बोरिंग करवा रहा था कि वहाँ टेंट बनाएगा और पुलिस को वहाँ फोर्स उतारेगा और वहाँ बोरिंग करेगा। तो हम लोग टेंट वाला को भी हम लोग जब्त किए थे, गाड़ी उड़ी सब हम लोग जब्त किए, मशीन तशीन सब, कि ये मशीन जब तक बाहर नहीं जाएगा तब तक हम लोग नहीं छोड़ेंगे। तो उधर आसनसोल तरफ का ही लेबर ओवर था, वो बोरिंग करने वाला टेंट बनाने वाला गाड़ी सब। तो इधर दुमका वाला काठीकुंड वाला तो टेंट सब नहीं दे रहा था, एक बार पहले भी जब्त किया गया था तो डर गया वाला कि नहीं हम लोग नहीं जाएंगे उस क्षेत्र में। तो फिर आसनसोल से फिर टेंट गाड़ी लेकर के आया था, फिर हम लोग जब्त किए 14 लेबर को और बोले कि आप लोग का हेड को बुलाइए, कौन आप लोग को भेजा है, हाँ किसके हुकुम से आप लोग बोरिंग कर रहे हैं। तो वो क्या आएगा हेड, हेड तो इंजीनियर नहीं आ रहा है, इंजीनियर एक हेड मिस्त्री है। तो वो बोला कि क्या ये है, तो बोला कि आपको आया उस वो तब हुआ हम लोग समझौता किए, बोले कि आप लोग लिखिए इकरारनामा लिखिए कि हम लोग इस क्षेत्र में बोरिंग नहीं करेंगे, तो इस क्षेत्र में बोरिंग नहीं करेंगे और मशीन सब ले जाएंगे, इस प्रखंड से मशीन को बाहर कीजिए, कोल बोरिंग वाला मशीन। तो फिर ये किया तब छोड़ेंगे ये लोग को। तो फिर उसके बाद वो बोरिंग करने वाला भी मतलब मशीन सब वहां से हट गया, प्रखंड से हट गए, एक भी मशीन नहीं रहा। और 2012 तक हम लोग लड़ाई लड़े, 2005 से 12 तक, मतलब 5 साल का एग्रीमेंट होता है कंपनी के साथ, फिर आगे 1.5 साल एक्सटेंड किया, तो 1.5 साल में हम कर लेंगे बोरिंग वोरिंग। 2005 से हम लोग लड़े 5, 6, 7, 8, 9, तो 5 साल उसका एग्रीमेंट फेल हो गया। 5 साल में तो हम लोग कुछ भी नहीं करने दिए थे, ना बोरिंग ना करने दिए, ना सर्वे करने दिए, ना डैम का भी सर्वे नहीं करने दिए, पावर प्लांट का भी जमीन सर्वे नहीं करने दिए, और कोल माइंस के लिए बोरिंग भी नहीं करने दिए। तो वैसे आंदोलन करते करते 5 साल हो गया। तो उसी बीच में तो वो लोग उग्र रूप से ई करके हम लोग को गिरफ्तार किया, बोला कि 1-10 साल बचा हुआ है, 1-2 साल में हम लोग पूरा सर्वे तर्वे कंप्लीट करेंगे, इन लोग को जेल करेंगे और जेल में रखेंगे 2 साल तक, तब तो हम लोग इधर का कंप्लीट करेंगे। तो फिर हम लोग मतलब जेल के बाहर के लोग भी विरोध किया, 2012 तक हम लोग ई किए विरोध किए। फिर उसका 2005 हुआ, 5, 6, 7, 8, 9 और इसके बाद 10, 11, 12, हाँ इधर, तो उसका 3 साल बचा, मतलब 10, 11, 12 में तो हम लोग निकलवा दिए। तो 2 साल फिर उसका स्टैंड मतलब किया था, 2 साल भी हम लोग जान गए, 2 साल उसका स्टैंड हो गया। तो 2 साल भी हम लोग विरोध किए, तो विरोध किए तो कुछ नहीं कर पाया, ना बोरिंग कर पाया, जब ना पावर प्लांट का सर्वे कर पाया, ना डैम का सर्वे कर पाया। तो अगर सर्वे उसका होता तो कुछ ना कुछ फिर भी करता, हम लोग सर्वे ही नहीं होने दिए थे, वहाँ पैर जमने ही नहीं दिए थे। तो इसीलिए हम लोग सक्सेस हुए। तो उसका जानकारी तो पहले से हमारे बीच में था कि एक बार ऐसे ही एक दो बार ट्रेनिंग में था कि बताया था कि कहाँ कहाँ, जैसे पहले 90, 92, 82, 80 में बोरिंग किया था, तो बोला कि फिर से वो वहाँ वहाँ में फिर दोबारा बोरिंग होगा, जहाँ डैम बनेगा डैम का जमीन नापेगा, जहाँ पावर प्लांट का है पावर प्लांट का, जहाँ कोल का कोल, तो आप लोग कोई भी क्षेत्र में इस तरह से होगा, आप लोग को विरोध करना है। तो वो पहले से जान रहे थे, तब फिर हम लोग विरोध किए, गांव के लोगों को बताया, इसका जानकारी था पहले से, तभी हम लोग सक्सेस कर पाए थे। प्रभावित तो ट्रेनिंग प्रोग्राम से हम प्रभावित हुए, और कुछ चीज देखने
देखने से प्रभावित हुए और मतलब हम लोग को फिर वहां ले गया था, गए थे आपका गया, गया बोध गया, वहां मतलब हरिजन का जमीन वहां मठ लोग हड़प लिया था, तो वहां भी लड़ाई करके कैसे उस जमीन को वापस लिया है, तो वहां भी एक दो लोग शहीद ही हुए थे, तो उसमें भी हुआ, तो प्रभावित हुए कि जो एगो यहाँ सिद्धेश्वर है, सिद्धेश्वर नाम का है आपका पुट का, जमशेदपुर का, वो हम लोग को ट्रेनिंग दे रहा था, हम लोग 6 चरण में ट्रेनिंग दिए थे मधुपुर में, और एक अरुण आनंद ट्रेनिंग दिया था हम लोग को, वो बोध गया आंदोलन से वो जुड़े हुए थे, और सिद्धेश्वर था वो आपका टाटा कंपनी और इच्छा खड़का डैम वगैरह, तो उससे वो लोग प्रभावित थे और वो लोग ट्रेनिंग हम लोग को दे रहा था, और एक घनश्याम भगत था मधुपुर का ही, तो वो भी मतलब हम लोग को ट्रेनिंग दे रहा था, तो ऐसे इसके बाद और भी साथी था भागलपुर का, तो गंगा नदी से कैसे लोग को प्रभावित हो रहा है, गंगा नदी कैसे गंदा गंदगी आ गया है, गंगा नदी के किनारे किनारे जो भी कल कारखाना बैठा है और कचरा बाहर आ रहा है गंगा में और प्रदूषित हो रहा है, तो उसके बारे में भी वो लोग बताया था, भागलपुर का एक उदय नाम करके वो लोग भी हम लोग को ट्रेनिंग दिया था, तो एक तो प्रभावित हुए, जहाँ 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 प्रभावित था वहाँ वहाँ जगह का उदाहरण बताता था हम लोग को कि जो वहाँ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, वहाँ लड़ाई हुआ ये हुआ, कुछ नहीं मिला, अधिकार नहीं मिला, तो हम लोग प्रस्ताव के उस जगह अगर जा करके देखा जाए तो मतलब और अच्छा होगा, तो प्रभावित हुआ तो प्रोग्राम बना। 2008 अक्टूबर में हम MMP का एसी मेंबर हम पहला मीटिंग अटेंड किए थे आपका विशाखापट्टनम में, और उसमें बहुत सारा कानून के बारे में बताया, और पूरे देश के लोग वहां आए थे, कई राज्य से लोग आए थे और अपना अपना जगह से आंदोलन के बारे में बता रहा था, जहां जहां लोग विस्थापित या इस तरह आंदोलन कर रहा था बताया, तो वहां बहुत सारे लोग से जुड़े हुए थे, हम तो यहाँ सिर्फ लोकल से जुड़ करके ट्रेनिंग वगैरह लिए थे, लेकिन विशाखापट्टनम में अक्टूबर में जो मिला हमको 2008 में, वहां से एसी मेंबर हमको बनाया गया, तो वहां बहुत सारे लोग से मिले, अनुभव मिला, सुनाया कि ऐसे लड़ रहे हैं, तो हमको भी लगा कि हम जो है कि हम भी काठीकुन में अकेले नहीं लड़ रहे हैं, हमारे साथ और भी लोग लड़ रहे हैं, तो एक गो हिम्मत मिला हमको आगे आगे लड़ने का और भी हिम्मत हुआ, तो अक्टूबर में एसी मेंबर बना और 26 नवंबर हमको अरेस्ट किया गया है, तो जो है कि मतलब हमको वहाँ बहुत बड़ा ई मिला था, मतलब ताकत मिला था वहाँ विशाखापट्टनम में, मतलब बड़े समूह का और नेशनल स्तर का बड़े समूह का हमको ताकत मिली कि नहीं देश में दुनिया में बहुत सारे समूह हैं कि ऐसे लड़ रहा है, हम अकेले नहीं लड़ रहे हैं, तो वहाँ पर हमको बहुत और बहुत बड़ा ताकत मिला था, तो यहाँ प्रशासन को, यहाँ जो है कि दुमका का प्रशासन को लगा, कंपनी को, नेता को लगा कि मुन्नी तो क्या है, मुन्नी कुछ नहीं है, उसको अरेस्ट करेंगे तो उसके पीछे और कोई है नहीं है, हाँ तब जो हमको अरेस्ट किया गया तो MMP का जितना भी साथी है और जो मेधा पाटकर के साथ भी मीटिंग में पहले अटेंड थे, और भी मतलब पूरा देश का जो इस तरह मतलब संघर्ष करने वाला समूह, तो मतलब वो लोग भी विरोध करने लगा कि मतलब हम लोग को अरेस्ट किया गया, तो यहाँ दुमका में भी बहुत लोग आया, बहुत जगह से भी आया लोग, BBC लंदन से भी आए, तो जो है कि तब प्रभावित हुआ, यहाँ पूरा देश भर का जो लोग ये किया, सरकार को लिखा, दबाव दिया और बोला कि ये गलत हो रहा है, वहाँ के लोग अपना अधिकार के लिए जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो फिर हम लोग को मुख्यमंत्री को भी बहुत सारे दबाव आया, तब पता चला कि नहीं मुन्नी हसदा बहुत दूर से जुड़ी हुई है, हाँ इससे सकना तो मुश्किल है, तो प्रशासन भी मेरे ऊपर में कई तरह का आरोप लगा रहा था, हम भी आरोप लगा करके हम केस करते थे, हाँ तो बोले कि नहीं इस नियम कानून में तो नहीं सकेंगे, तो तब पता चला नहीं इसके साथ है लोग, इधर फॉरेस्ट पर काम कर रहे हैं, जैसे फॉरेस्ट राइट पर, जैसे यहाँ संथाल परगना में 6 जिला में शायद ही एक ही भी गांव में
गांव को नहीं दिया गया है यहाँ का प्रशासन, ये सामुदायिक वन भूमि पट्टा, उसके लिए हम लोग यहाँ पट्टा का ग्राम सभा कर रहे हैं। दूसरा है हमारे एरिया में जो कंपनी, जो 5 कंपनी हम लोग रिजेक्ट करवाए हैं आंदोलन से, एगो जिंदल, दूसरा आरपीजी ग्रुप, और एगो दामोदर कॉर्पोरेशन डीबीसी, और एगो आपका पचुड़ा पेनमकोल में। तो और जिंदल का मतलब 2 जगह का था, जिंदल का 2 जगह, तो 2 जगह का प्रस्ताव था, तो वो 5 जगह का हम लोग मतलब 5 प्रोजेक्ट का हम लोग मतलब आंदोलन से यहाँ मतलब रद्द किया गया, सुप्रीम कोर्ट से रद्द किया गया, तब से यहाँ अभी शांति है। दूसरा, अभी पिछले साल से यहाँ आपका यूपी विद्युत कंपनी कोयला निकालेगा यहाँ, तो उसके लिए अभी घूम फिर कर रहा है इधर, सीओ एसडीओ घूम फिर कर रहा है, प्रधान के साथ मीटिंग कर रहा है कि जमीन दीजिए, आप लोग को नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा, वगैरह वगैरह मिलेगा। तो उस समय जो हम लोग आंदोलन किए उसी का अभी आंदोलन ही मतलब अभी लोग ये कर रहा है, मतलब विरोध कर रहा है। अब बहुत हम लोग ट्रेन कर दिए, तो अभी फिर से हम लोग को नया पीढ़ी को ट्रेनिंग देने का जरूरत है, जो हम लोग तो हमारे उम्र का तो हम लोग दिए, तो वो नया पीढ़ी को जब तक ट्रेनिंग नहीं देंगे तब तक आगे लड़ाई नहीं कर पाएगा, तो इसलिए अभी ये हम लोग को आगे करना है।